को चुप रहना सिर्फ सुनिए सुनिए 5 मिनट आप सबको चुप रहना है। आज आपकी ताकत के सामने सरकार ने अपनी बात मानी है। मुझने देख दी सरकार ने आपकी मांगे मान ली, आपकी ताकत के सामने झुकी है सरकार, मुबारक हो। एक SHO साहब जो आपका कांस्टेबल साहब है जो अपने धान सिंह उनको बहाल कर दिया, अभी कांस्टेबल को बहाल कर दिया उनको। दूसरा अपनी दूसरी मांग थी थानेदार साहब वहां से हटे, वो आपको 7 दिन के अंदर चेंज कर देंगे। उसके लिए साहब भी चेंज हो जाएंगे। उसके लिए मेरे सामने IG साहब से इन्होंने बात की है, उन्होंने लेटर डाल दिया। क्यों, एक प्रोसेस होता है भाई, कोई लेवल है कि वो अपना मामले, वो थानेदार कोई भी जाति का लगे उसे में फर्क नहीं। ये SHO साहब यहाँ से हट जाएंगे, 7 दिन में हट जाएंगे SHO साहब से। तीसरी बात सुनो, आप सुनो, आगे सुनो। आपने जो आंदोलन किया बिना परमिशन के किया, इसके बारे में भी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये भी आज एक बात रखी है बनने, भाई हम लोगों ने किया, हमारे जाने के बाद ये लोग कोई भी मान लो लगा दे, कोई भी एक वो कोई भी नहीं लगेगा। कलेक्टर साहब और SP साहब ने मिलकर ये बात मुझे संतुष्ट की। अब अपन लोगों को एक बात और कही जाते वक्त, बोले आप लोग जिस तरीके से पधारे आराम से शांतिपूर्ण तरीके से जावें, अगर फिर 7 दिन में ये नहीं मानते अपनी बात, इस बार अपन 15 दिन का टाइम लेंगे, एक बार आपका 1 दिन और खराब करेंगे, फिर कुछ मानेंगे नहीं, फिर SP और कलेक्टर साहब दोनों को चेंज करने की बात भी कर लेंगे। साहिला की आपके 36 कौम की एक संघर्ष समिति बनी है, 36 कौम की सुराना की संघर्ष समिति बनी है। SP साहब ने कहा है, कलेक्टर साहब ने कहा है 7 दिन बाद ये समिति के लोगों का आज नाम दे देंगे, 7 दिन बाद ये लोग वहाँ जाएंगे, आपको एक एक चीज पारदर्शिता से बताएंगे भाई, इसके अपने चेल सिंह जी के प्रकरण में क्या क्या चीज हो गई है। हमारे सभी भाइयों ने जो कमेटी अंदर गई है सबने सवाल जवाब किए, सबने ठोस बन तरीके से बात की, एक भी बात में हम प्रशासन से नहीं दबे, अपनी सारी बातें इन्होंने समझी है और पूरा पॉजिटिव अपने साथ खड़े हैं। अब कुछ प्रोसेस है, कुछ तरीके हैं, जो तरीका SP साहब के हाथ में था वो अपने साथ हाथोहाथ कर दिया। अब दूसरा तरीका है, 7-8 दिन लगेंगे, उसके बाद संघर्ष समिति जाएगी, नहीं तो फिर आंदोलन की तारीख तय करेंगे, इस बार पूरे राजस्थान से लोग इकट्ठे करेंगे।